नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग लर्सनो से इसकी 60 सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 क्यों चर्चा में है। इसको लेकर हम लोग ये पूरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ लेना होगा कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिलती थी फ्री में और जो सब्सिडी मिलती थी, चाहे जो प्रीबाइज, कोई लोग उसको प्रीबाइज बोल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रीबाइज बोल रही है, और जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार, और जबकि स्टेट में अगर यूनियन टेरिटरी में बात किया जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर केजरीवाल सरकार उसको क्या बोल रही है, एक एसेंशियल कमोडिटी बोल रही है। मतलब कि ये लोगों की बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी पाना, ठीक है। और ये रिवाइज को लेकर इतना ज्यादा लोन हो चुका है गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना ही पड़ रहा है, जिसके हिसाब से, जिसके कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया जा रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस लेक्चर में डिस्कस क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में मैंने बताया कि इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है, सुधार संशोधन किया जा रहा है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अमेंडमेंट करने की। 2003 में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, एक्ट था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वाला जो निकल के आ रहा है, उसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग इसके इस बिल के विरोध में है, वो क्यों विरोध में है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ये बिल बन जा रहा, एक्ट बन जा रहा है, अगर ये बिल एक्ट हो जा रहा है, तब लोगों के आम जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये गवर्नमेंट का जो रेशनल क्या है, गवर्नमेंट का जो स्टैंड क्या है इस बिल को लेकर, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट क्या तर्क दे रही है कि चेंज कर देना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। न्यूज में क्यों, न्यूज में इसलिए कि मंडे को क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था, उसको पेश किया, ठीक है, लेकिन जो वहां के स्टैंडिंग कमेटी थी उसको क्या कर दिया गया है, डिलीबरेट, मतलब आगे उसको सौंप दिया गया है कि आगे उस पर थोड़ा संशोधन करे, मतलब जो कुछ भी होगा उसमें वो होगा, ठीक है। अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि ये एक तो सबसे बड़ी जरूरत थी कि कंपटीशन को और इफिशियंसी को प्रमोट करना था, क्योंकि बिजली को लेकर जो एक ही कंपनी थी, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, एक ही प्रोड्यूसर था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या होगा कि जो डिस्कॉम्स होंगे, जो डिस्कॉम बोलते हैं, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और जो जनरेट करने वाली होगी संस्था, वो तो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो प्राइवेट संस्था होगी कोई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द आइडिया टू इज टू प्रोमोट कंपटीशन एफिशिएंसी, डिस्कॉम्स हैव बाय एंड लार्ज रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ये है कि जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो संस्था डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो किसके अंदर में है, स्टेट के अंदर में है, ठीक है, यानी स्टेट का मतलब कि राज्य के अंदर में, राज्य के अंदर मतलब सरकार के अंदर में काम करती है। जैसे BSNL थी पहले, तो BSNL क्या करती थी, अभी भी सरकार के अंदर में ही काम करती, लेकिन उसके उसको कंपटीशन देने के लिए एयरटेल आ गई, आइडिया आ गई, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एक व्यवस्था करने की चाह रही है सरकार कि आपको क्या हो कि आपके पास वो हो, ऑप्शन हो, अपॉर्चुनिटी हो कि मैं अगर ये कोई ये वाली संस्था अच्छी, मान लो कोई एक्स संस्था है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कोई एक वाई संस्था है, और कोई एक जेड संस्था है, ठीक है। तो मान लो कि एक्स वाली की सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो आप वाई वाली ले लो, और जो ये तार होगा ना, जो वायर, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वायर का, वो हर कंपनी का आपके घर के आसपास लगा रहेगा, तो आप जिससे चाहो उससे ले सकते हो। तो ये वाली बात यहाँ पर इस तर्क से बहुत ही अच्छा ये बिल लग रहा है, यहाँ पर इस एक ही तर्क है जो, मतलब ये अच्छा लग रहा है ये वाला तर्क से, ठीक है। और जो यहाँ पर ये दूसरा रीजन है कि जो 90,000 करोड़ का क्या है, ड्यू है अभी गवर्नमेंट पर,
लोगों को स्टेट गवर्नमेंट इतना ज्यादा मतलब लोन है ये प्रकार से, किस पर, जो भी जो डिस्कम्स जिसको बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर पे इतना ज्यादा लोन हो चुका है। कैसे लोन हो चुका है, लोगों के पास तो बिजली पहुंच जा रही है लेकिन जो बिल ये लोग पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका कुछ अंदाजा ही नहीं लग पा रहा, जिसके कारण क्या 90,000 करोड़ का ड्यू है उस चीज को कम करने के लिए। अब ये भी निकल कर आया कि 56 जो डिस्कॉम्स है उसमें से 36 के जितने कितने करोड़, 32,900 करोड़ का कितना मार्च 2020 तक तो उधार पड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कौन कौन से स्टेट में, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर लमसम अप्रोक्स 57% क्या है लोन है बिजली का। तो ठीक है ना, ये सब जरूरतों को, ये सब चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बिन लाने का प्रस्ताव रखा है। अब हम लोग जान लेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है उसके बारे में इस अबाउट, और जो चेंजेस कर रही है, जो न्यू चेंजेस कर रही है उसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा होगा मल्टीपल प्लेयर, मल्टीपल प्लेयर होगा तो ओपन एक्सेस होगा, ओपन एक्सेस होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नेटवर्क होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। अब और जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब ब्रॉड हो जाएगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे कंज्यूमर के पास, जो आम नागरिक हम लोग के पास क्या होंगे, सर्विस ज्यादा प्रोवाइडर हो जाएगी। जैसे कि देखो मल्टीपल प्लेयर का मतलब क्या होगा, मान लो कि एक सिम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर आइडिया, वोडाफोन, जियो, ठीक है, ये कई कंपनियां हैं। ओपन एक्सेस मतलब यहाँ पर सब लोग, सारी कंपनियों को क्या होगा, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ओपन एक्सेस का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब तीसरी क्या बात है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, इनको डिस्कॉम बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये लोग क्या करेंगे कि हर जगह आपके घर के आसपास में जितने भी वो वायर होंगे, जितने भी पोल होंगे, वो सब क्या होंगे, इन सब कंपनियों के होंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा ये वाला अच्छा नहीं दे रही है सर्विस, ये कम घंटे लाइन दे रही है, ये ज्यादा घंटे लाइट दे रही है, ठीक है, उस हिसाब से आपको चूज करने की सुविधा हो जाएगी, पहली चीज। अब ये जो चेंजेस क्या हुआ है उसको, चेंजेस को देखेंगे तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओपन एक्सेस, यहाँ पर इनेबलिंग कंपटीशन, इनहेंसिंग इफिशियंसी, वही वाली बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही मार्केट में आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ जाएगा और उन लोगों की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी लोग अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे अलग कंपनियां, ठीक है। अब जो रूल तोड़ेगा उनके लिए क्या था, पहले इम्प्रिजन था मतलब जेल था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, केवल फाइन होगा, ठीक है। फाइन कहेंगे गवर्नमेंट क्या चाह रही है, बस पैसे कमाना चाह रही है, ठीक है। अब क्या है कि जो स्टैंडिंग फंक्शन सेट विल डिस्चार्ज बाय द रेगुलेटर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो फंक्शन था उस चीज को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है कि लोग जो जैसे भी मान लो बीएसएनएल का ही देख लो, ठीक है, शायद गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। अगर ये ऐसे ही जब जियो आ गई, ठीक है, वोडाफोन आ गया, आइडिया हो गया, तीन लोगों की अलग अलग अपनी कंपनी थी और ये लोग अपने अपने हिसाब से रेगुलेट करते रहे, अपने अपने हिसाब से उनको मजबूत करते रहे, अपने अपने हिसाब से पॉलिसी लाते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथिंग हो रहा है, मजबूत हो रही है एक प्रकार से फंक्शन, ये बात है यहाँ पर। अब ये बिल है तो उसको अगेंस्ट में क्यों, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेकर बहुत ही ज्यादा पंजाब में विरोध हो रहा है, ठीक है। किसान संयुक्त मोर्चा ये वाले भी लोग भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं उसका, आपसे केजरीवाल विरोध बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर मान लो कि ये अगर प्राइवेट एंटिटी को दे दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या पता सब्सिडी हटा दे। यहाँ तक आपको पता होगा कि पंजाब में 600 यूनिट क्या दी जाती है, बिजली फ्री दी जाती है। तो क्या पता कि अगर ये प्राइवेट कंपनी अगर जा रहे हैं, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं वहां पर, तो उनको सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे, ये चीज एक बात निकल के आ रही है कि उसमें कुछ जिक्र नहीं हुआ है इस बिल में सब्सिडी को लेकर। अब क्या है डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज निकल कर आ रही है ना कि जो प्राइवेट कंपनी होंगी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी होंगी वो तो ऐसे शहर में जाएंगी जहां पर इंडस्ट्री होगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग होंगे, ठीक है, और वहीं पर मान लो यहाँ पर बड़े बड़े मंजिले हैं, ठीक है, और यहीं पर छोटी मोटी झोपड़ी है, तो वहां पर ये बिजली नहीं देना चाहेगी। क्यों देना चाहेगी, वहां पर सोर्स जो पैसे का इनकम रिवेन्यू नहीं बनेगा, इसलिए। अब ये गवर्नमेंट ही ऐसी मतलब गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ओब्लिग है, मतलब गवर्नमेंट को ही उस पर कार्य करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट पर एक प्रकार बर्डन आ रहा है,
कि अगर जहां पर गरीब लोगों को अगर बिजली नहीं दे रही है, नहीं पहुंचा पा रहे हैं प्राइवेट कंपनी, तो गवर्नमेंट ही उनको देनी पड़ेगी। ये एक प्रकार से निकल कर आ रही कि जो प्राइवेट कंपनी को कोई ओब्लिक नहीं है, कोई एक फोर्स नहीं है कि वो गरीबों में ऐसे जगहों पर पहुंचाएं बिजली जिनको नीड हो के, मतलब कि उनकी जो बेसिक नीड के लिए। ठीक है, अब फेडरल स्ट्रक्चर को क्यों बात में तर्क लिया जा रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कौन सी लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, समावर्ती जो बोलते हैं शायद हिंदी में, उस लिस्ट में आती है। तो उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है कोई लॉ प्रोविजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के या फिर सलाह के या फिर बिना सहयोग से ही ये बिल अपने आप पेश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन चार ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो बिल आएगा उसका जो इम्पेक्ट लोगों पर क्या पड़ेगा, और जो सर्विस करने वाले हैं उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये हो जाएगा यहाँ पर पहला जो निकल कर आ रहा है कि मोनोपोली या प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनका मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली मतलब कि यहाँ पर मैं हो जा रहा हूँ, ये लोग अपनी क्या करेंगे कि एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इस एरिया में मैं रहूंगा, दूसरे एरिया में तुम रहना, इसमें मान लो कि यहाँ पर एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, ये जेड रहेगा। इस हिसाब से ये लोग अपनी एक एरिया अपने आप से प्लान बना लेंगे जिसके हिसाब से ये लोग कार्य करेंगे। ये दिक्कत आएगी प्राइवेट लोगों पर। ठीक है, अब क्या है कि ऑपरेशनल इश्यू में ये आ रहा है कि ये कौन ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसको लेकर वितर्क है। और जो हिट ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में मतलब कि लोग सब्सिडी पाते थे, प्रिवाइज के रूप में पाते थे, ये सब चीजें नहीं निकल कर आ पाएंगे। तो जो सबको बिल पे करना होगा, पहले से यहाँ पर जैसे दिल्ली में 200 यूनिट है तो 200 यूनिट फ्री है, तो क्या पता ऐसी स्थिति आ जाए कि 200 का 200 यूनिट का हमें सब बिल पे वो करना ही करना पड़ेगा, पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लास्ट में देखेंगे जो गवर्नमेंट का रेशनल क्या है, गवर्नमेंट का तर्क क्या है, गवर्नमेंट का विचार क्या है इस बिल को लाने के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये तर्क दे रही है कि यहाँ पर कोई ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट को, इस राज्य को क्या बिजली कम दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या ये है कि मल्टीपल डिस्कॉम्स एग्जिस्ट इन द सेम एरिया विच इनेबल कंपटीशन अमंग देम। जो डिस्कॉम्स मैंने बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो एक एरिया में कई वो हो जाएंगे, डिस्कॉम्स हो जाएंगे, तो जो अलग अलग जगहों पर एक जगह पर कई लोग होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये क्या होगा, कंज्यूमर को क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा, ये तर्क दे रही है। अब क्या है, देयर इज नथिंग एंटी फार्मर इन द बिल। और जो किसान मैंने बताया पंजाब लिए हुए, ठीक है, किसान संयुक्त मोर्चा और भी योगेंद्र यादव, ठीक है, ये लोग कई लोग इस बीच का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो विरोध कर रहे हैं तो इसका ये बोल रही है कि ये इसमें कोई ऐसा भी नहीं है, ये क्या है कि एंटी फार्मर लॉ है। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, आप सभी लोग मुझ पर इस पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे। थैंक यू।